हेलो गाइस, गाड़ी नामक इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मौजूद है TVS जुपिटर 125। जी हाँ, ये TVS जुपिटर 125 125 सीसी में जुपिटर लॉन्च होने जा रही है। ऑलमोस्ट लॉन्च हो ही गई है, आपको नीचे इसकी प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन जुपिटर 110 के मुकाबले इसमें क्या खास है और इसमें क्या क्या टॉप फीचर्स मिलते हैं, सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स मिलते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अभी तक आपने गाड़ी नामा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और वो बेल अकाउंट भी प्रेस करें ताकि आपको जुपिटर 125 के बारे में सारी जानकारी जिस तरीके से मिल रही है उसी तरीके से हर वीडियो की आपको मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं। ये आप दो कलर मेरे सामने देख रहे हो, एक ये वाला कलर, एक ये वाला कलर। ये जो कलर है ये हीरो कलर है TVS का। और शुरुआत कर लेते हैं, प्रीमियम फील देखने को मिलता है। और ऊपर की तरफ यहाँ जैसे कि आपने देखा, ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग का इस्तेमाल किया है, क्रोम फिनिशिंग का इस्तेमाल किया है, क्रोम नहीं है। यहाँ पर फ्रंट एप्रॉन में ये प्लास्टिक है, यहाँ पर भी क्रोम फिनिशिंग का इस्तेमाल किया है। ये आपको LED लाइट मिलती है, LED DRL मिलता है, ये LED टेक लाइट मिलती है, हाई बीम लो बीम। और यहाँ पर देखोगे तो इंडिकेटर हैलोजन बल्ब मिलता है, यहाँ पर भी क्रोम का इस्तेमाल किया है। नीचे की तरफ ये मेटल है, ये प्लास्टिक है और इस साइड में मेटल है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हो नीचे की तरफ, ये 220 mm के डिस्क ब्रेक दिए हैं, 12 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए हैं। अलॉय व्हील्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देख रहे हो आप मेरे सामने। इसके अलावा सेगमेंट की सबसे लंबी सीटें इसमें दी हैं, यानी कि लंबी सीट मिलती है, बढ़िया कंफर्ट मिलता है, बहुत बढ़िया ये आपको सीट मिलती है। लेग रूम आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है। साइड से अगर आप देखते हो तो ये जो एज है ये काफ़ी बढ़िया मिलता है। इधर भी क्रोम एक्सेंट देखने को मिलता है, जुपिटर 125 यहाँ देखने को मिल जाता है। ग्रे ब्रेल पर पीछे की तरफ कंपनी ने सेफ्टी के तौर पर रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया है, TVS यहाँ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। लाइट यहाँ पर भी आपको क्रोम की एक्सेंट देखने को मिल जाती है, लाइट काफ़ी बढ़िया है, एक रिफ्लेक्टर ग्लास के साथ आता है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा साइड में आते हो तो एग्जॉस्ट मफलर पर भी कंपनी ने क्रोम का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी क्रोम का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ऊपर की तरफ ये मीटर के पास ये क्रोम का इस्तेमाल आप देख सकते हो। डिजिटल एनालॉग मीटर है, यानी कि ये डिजिटल है और ये एनालॉग है, काफ़ी बढ़िया है। इको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। डिस्टेंस टू एम्प्टी, यानी कि एक बार टैंक फुल कराने पर कितना चल सकता है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। मुझे लगता है कि ये हर स्कूटर में होना चाहिए, हर स्कूटर में चीज़ें ये होनी चाहिए, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते शॉर्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सेल्फ स्टार्ट यहाँ पर मिल जाता है, हॉर्न, इंडिकेटर का बटन, हाई बीम लो बीम, ये स्विचेस भी काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं। ORVM देख सकते हो, ORVM यानी कि ORVM क्या, यहाँ पर ये जो साइड रियर व्यू मिरर है, साइड रियर व्यू, आउटसाइड नहीं, साइड रियर व्यू मिरर, वो ORVM गाड़ी में होता है, सॉरी क्षमा चाहते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर भी क्रोम का इस्तेमाल आप देख सकते हो। इस वेरियंट में मैं पीछे से दिखाता हूँ या नीचे से दिखाता हूँ, ये जो सस्पेंशन है ये 3-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन है और इन्हें आप इस तरीके से अपने हाथों के जरिए एडजस्ट कर सकते हैं। और ये थोड़ी सी जान लगानी पड़ रही है, बट यू कैन एडजस्ट फ्रॉम योर हैंड आल्सो लाइक दिस। सो थोड़ा सा कैमरा शेक हो गया है, बट ये आप मैनुअली अपने हाथ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फ्रंट में जो सस्पेंशन मिलते हैं वो टेलीस्कोपिक मिलते हैं, जैसे कि आप आमतौर पर देखते हैं उसी तरीके के हैं। एक चीज़ अब मैं फ़ीचर्स की बात कर लेता हूँ, तो इस गाड़ी में जो फ़ीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप है, यानी कि आप इसे जैसे ही प्रेस करते हो, प्रेस करके खोलते हो तो ये यहाँ से खुल जाता है, यहाँ से आप फ्यूल डलवा सकते हो। और इसका जो फ्यूल टैंक है ना वो इसके नीचे है, ये फ्यूल टैंक है, यहाँ पर 5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, 109 किलोग्राम इसका वजन है, सीट हाइट 765 mm है और ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है। तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है जुपिटर 110 के मुकाबले 15 mm ज़्यादा हो गया है, उसमें 150 मिलता था, इसमें 165 है। और सीट की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 85 जुपिटर 110 के मुकाबले ज़्यादा हो गई है, थोड़ी बड़ी हो गई है। एक बार मैं आपको इसका बूट स्पेस भी खोल के दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ देख सकते हो, दो हेलमेट, यानी कि एक हेलमेट इधर और एक हेलमेट इधर, दो हेलमेट आप यहाँ पर इजीली रख सकते हो। यहाँ पर बूट लैंप मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कंपनी ने USB सॉकेट दिया है, USB सॉकेट दिया है। और यहाँ पर दो लीटर का ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप
इस स्कूटर के इंजन की बात करेंगे तो इसमें मिलता है 125 सीसी का बिल्कुल नया इंजन मिलता है, TVS एंटॉर्क वाला इसमें इंजन नहीं मिलता, उसके इंजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। 125 सीसी का इंजन मिल जाता है, 8.3 पीएस की पावर है, 7.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो कि इस स्कूटर के लिए काफ़ी पर्याप्त है, काफ़ी बढ़िया। इंजन की रिफाइनमेंट लेवल काफ़ी अच्छी है, चलाने के दौरान आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होती है, इनफैक्ट सस्पेंशन भी काफ़ी बढ़िया काम करते हैं, और ओवरऑल फीचर्स तो है ही ज़्यादा, राइड कंफर्ट भी ज़्यादा ही मिलती है। इतना ही नहीं, इंजन देखा जाए तो ऑलमोस्ट इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया साबित हो रहा है। अगर देखोगे ना आप, ये नया स्कूटर है, नया इंजन है, हर चीज़ नई है, माइलेज आपको इसमें ज़्यादा मिल जाती है। माइलेज कैसे ज़्यादा मिल जाती है, जैसे कि मैंने बताया स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है, तो यहाँ पर ये जैसे ही आप इसे ऑन करते हो, यहाँ से ऑन करते हो, स्कूटर ऑन करते हो, तो जैसे आपने ये स्कूटर ऑन किया है, अब ये स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेकिन तब तक हम और थोड़ी सी बात कर ले। जुपिटर 45 लाख से ज़्यादा बिक चुका है, अब 45 लाख से ये ज़्यादा बिक चुका है, 22% करीब जो इंडियन कस्टमर्स हैं वो देखा जाए तो 125 सीसी सेगमेंट में स्कूटर खरीदने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से 125 सीसी सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, काफ़ी बढ़िया ग्रो कर रहा है। देखा जाए तो कंपनियां भी नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है। अब ये जो स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है, यानी कि कह सकते हो TVS का इंटेलिको जो सिस्टम है, वो आपने यामाहा की फसीनों में भी देखा होगा, यामाहा ZR में भी देखा होगा, और इससे पहले TVS की रेडर 125 सीसी वाली मोटरसाइकिल में देखा होगा। अब देखा जाए तो जैसे कि ये बंद हो चुका है, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करता है, ये बंद हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे ही आप इसे दबाएंगे, दबाने के बाद यहाँ पर आप एक्सीलेटर देंगे, और उसके बाद जैसे ही छोड़ेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ से दबाया और ये स्टार्ट हो गया, जैसे कि आप देख रहे हो ये इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है। फ्यूल की बचत करता है काफ़ी बढ़िया, आपको ये माइलेज ऑफर कर देता है, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज आप इस स्कूटर से हासिल कर सकते हैं। अब देखो, ज़्यादा फीचर्स ज़्यादा स्टोरेज स्पेस, इनफैक्ट यहाँ पर आप सिलेंडर भी रख के लेके जा सकते हो, ज़्यादा फीचर्स ज़्यादा स्टोरेज स्पेस ज़्यादा माइलेज ज़्यादा कम्फर्ट, तो ज़्यादा से भी ज़्यादा, जैसा कि TVS अपने इस जुपिटर 125 को लेकर बोल रही है, तो ज़्यादा से भी ज़्यादा वाकई में ये आपको लगता भी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप साफ पूछ सकते हैं। राइडिंग के मामले में काफ़ी बढ़िया है, एर्गोनॉमिक्स के मामले में काफ़ी बढ़िया है, शॉर्ट हाइट राइडर्स भी इसे चला सकते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया दिया है, और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछें, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि स्कूटर कैसा लग रहा है।